हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम कहना कैसा है सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अलैहिस्सलाम फ़ी नफ़्सी ही कहना तो मना नहीं है लेकिन आजकल कुछ लोग सलाम इसीलिए कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबियों की तरह मासूम है जैसे अम्बियाए कराम मासूम अनिल ख़ता है वैसे ही गैरों को भी लोग समझ लेते हैं इसका यह मतलब नहीं है हज़रत हुसैन नबी अल्लानों का रुतबा बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा लेकिन नबी नहीं है ये बात जहन में रखें अम्बिया की तरह मासूम गैर नबी को समझना ये बहुत बड़ा जुर्म है याद रखें हजरत रसूल सल्लम का जो रतबा है वह सिर्फ हजरत रसूल्ला का है जो अम्बिया का रतबा है वो सिर्फ़ अम्बिया का गैर अम्बिया का नहीं है इस बुनियाद पर कोई आसलाम कह देता है तो वो गलत होगा लेकिन आसलाम कहना अगर इस अकीदे के साथ ना हो तो फिर नफसी जायज़ है मना नहीं है लेकिन आप ये जह जहन में रखें कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भी डंडी मारते हैं और कहते हैं कि हजरत अबू बकर तो रजी अल्लाह तुए और हजरत आली और हजरत हुसैन जो है वह मेरे दोस्तों अगर अल्सम कहेंगे तो फिर सब कहो हज़रत अबूबकर हज़रतमराम हजरत ऊस्मान हजरत अलीसरत हुसैन आसलम ताकि पता चले हम सब को सिर्फ सलामती के तौर पर कह रहे हैं लेकिन अगर आप सिर्फ़ अहले बैत इजाम के साथ कहें और बाकी सहब कराम के लिए आप वो रुतबा न कहें और अकीदा भी आपका गलत हो कि वह अम वाली सिफात यहाँ माने तो तब कहना जायज़ नहीं है इसीलिए बाज़ाल कराम मना करते हैं वरना के लफ्ज़ तो हमारी पुरानी किताबों में भी हजरत हुसैन के मौजूद है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है लेकिन उस जमाने में यह तरतीब नहीं थी जो आजकल डंडी मारी जा रही है इसलिए डंडी और डंडे के फ़र्क को समझिए मैंने दोनों बातें आपकी खिदमत में रख दी हैं अहल बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है बेईमान दर बेईमान होगा जो अहिल बैत की मोहब्बत न रखे लेकिन साहब कराम की नामूस इज्जत आबरू की हिफाजत भी हमारे ईमान का हिस्सा है हम किसी ऐसी बुनियाद पे यूँ नहीं आएंगे कि जिससे साहब कराम की इज्जत पर फ़र्क़ आए यह सहाब कराम की इज़्ज़त यूँ बताएँ क्या बैठ की इज्जत पर फ़र्क़ है बाबा ये दोनों हमारे ईमान का महवर हमारे ईमान का मैार हमारे ईमान की जिला हमारे ईमान की रोशनी हमारे ईमान का हुसन हमारे ईमान का जमाल है इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं